दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, मैं दरबान बोरेवाल। तो गाइस कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, आज पापा की जागरी है तो हम गंगा जल लेने जा रहे हैं सरयू नदी पर, जो कि वो नीचे है गाइस, यहाँ से काफ़ी दूर है, 200 मीटर नीचे है। और तो समुंदर पर जाएंगे, सरयू नदी पर जाएंगे, वहाँ से गंगा जल लेके आएंगे। और साथ में मेरा फ्रेंड है, मेरा किड्स है तरुण। और तरुण कुछ बोलना चाहोगे अपने दर्शकों को? तो गाइस अभी हम वो लेने जा रहे हैं वो गंगा जल। और मेरे बुबू का जाग रहे हैं, तो गाइस लाइक सब्सक्राइब। तो गाइस अब निकलते हैं क्योंकि काफी दूर जाना है, घर पर काम काज भी देखना है और जो भी भोजन पानी बनेगा वो भी देखना है गाइस। तो फटाफट हम गंगा जल लेने जा रहे हैं, नीचे सरयू नदी जाती है गाइस, काफ़ी दूर है, मेरे घर से 200 मीटर दूरी पर है। तो निकलते हैं फटाफट और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने उत्तराखंडी भाई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीजिएगा गाइस। देख सकते हो काफ़ी दूर है यहाँ से सरयू नदी, वहाँ पर लेने जाना है गाइस। इस तरह से शाम का नज़ारा है गाइस, अभी 3:00 हो रखा है और ये जो भी पहाड़ दिख रहा है नियर नंगेला आ गाइस सामने से। अब हम फटाफट निकलते हैं और सरयू नदी से गंगा जल लेके आते हैं और फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे। फटाफट तरुण आगे से चल रहा और मैं काफ़ी सालों के बाद इस रास्ते पर आ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रह नहीं पाते हम लोग घर, वही हफ्ता 10-15 ज़्यादा काम हो तो। फिर इसी वजह से आज 10-12 के बाद इस पैदल पथ रास्ते से मैं जा रहा हूं गाइस गंगा जल लेने। और आगे से वो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी के सामने, अब फटाफट निकल रहे हैं गाइस। देख सकते हो सरयू नदी किस तरह से है गाइस, यहां पर ये देखिए गाइस, यहां इस तालाब में गाइस हम बचपन में बहुत नहाया करते थे और यहीं से हम गंगा जल लेके घर को निकलेंगे और अपना स्नान करेंगे गाइस। तो गाइस फाइनली हम सरयू नदी पर पहुँच गए, अब थोड़ा सा स्नान करेंगे फिर हम यहाँ से गंगा जल लेके जाएंगे। ये सरयू घाटी का पानी है गाइस, बहुत शुद्ध और स्वच्छ और साफ रहता है और यही जल हमारे पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है गाइस। गाइस सबसे पहले हमारा बेटा नहाएगा और वो नहा रहे हैं तरुण, और फटाफट ये स्नान करेंगे फिर मैं स्नान करूँगा, निकल जाएंगे गाइस क्योंकि अभी तालाब में भी नहीं जाएंगे क्योंकि शाम का टाइम है। ये है सरयू घाटी, देख सकते हो तरुण नहा रहा, अब फटाफट मैं भी स्नान करूँगा यहाँ से और फिर स्नान करने के बाद फटाफट गंगा जल लेके हम निकलेंगे गाइस। तो गाइस फिर निकलता हूँ और फटाफट स्नान करता हूँ और तो गाइस अभी मेरे चाचू स्नान कर रहे हैं, देख लो पानी बहुत ठंडा हुआ है। तो देख लो अभी नहा रहे हैं। हाँ गाइस हमारा स्नान हो गया, मन से स्नान और सरयू नदी से एकदम शुद्धिकरण, और अब निकलेंगे गंगा जल लेके हम। और इसी तरह से शुद्धिकरण हो चुका अब हमारा, बस हमारे यहाँ के हमारा ये दबा मलिवा ना मलिवा हाँ बस। तो गाइस फाइनली हमारा स्नान हो चुका है यहाँ पर सरयू नदी पर, और इस तरह से बहती हुई गंगा है गाइस, सरयू नदी है। तो आप फटाफट गंगा जल कपड़े अपड़े पहनते हैं फिर गंगा जल लेके निकलने की तैयारी करते हैं गाइस। तो बने रहिए हमारे चैनल। तो फाइनली गाइस हम गंगा जल इस तरह से भर रहे हैं और ये पूरा लेके जाएंगे गाइस,
और घर पर, क्योंकि इसी से शुद्धिकरण होता है गाइस, और साफ सुथरा गंगा जल है गाइस, देख सकते हो एकदम साफ तरीके से ले जाना होता गाइस, क्योंकि हर जगह मंदिर पर चढ़ाया जाता है और पापा के जागरी के लिए तो चाहिए ये पानी, क्योंकि शुद्धिकरण के लिए गंगा जल ही होता गाइस। अब ये हम पूरा लेके जाएंगे घर, अब हम निकल रहे हैं रूम के लिए और देख सकते हो हमारे पास गंगा जल है और अब निकलते हैं हम रूम के लिए। देख सकते हो गाइस कितना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम पर भी, और यहीं पर हम बचपना हमने बहुत गुजारा गाइस। यहाँ पर हम नहाने के लिए आते थे, सामने से जो तालाब है और आगे वो तालाब पर गर्मी के टाइम पर बहुत नहाते थे, बट अभी ये सब चीज़ें दूर हो गई गाइस, क्योंकि प्रदेश जब से गए। और आगे वो जो तालाब दिखाई दे रहा गाइस वो है छिन्नी ताल बोलते हैं गाइस, छिन्नी ताल बोलते हैं, बहुत बड़ी तालाब है वो, और तो बचपन में वहीं नहाया करते थे हम बहुत ज़्यादा, उस टॉप वाले पत्थर में से नीचे कूद मार के नहाते थे गाइस। काफ़ी बड़ा तालाब है ये देख सकते हो गाइस, इसी तालाब में हम बहुत ज़्यादा नहाया करते थे गाइस, ये जो सामने दिख रहा है वो वाला तालाब गाइस, छिन्नी ताल बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा नहाते थे गाइस बचपन में हम, गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्नान करने के लिए आते थे यहाँ पर इस तालाब पर, और काफ़ी बड़ा भी ये है। अभी हम काफ़ी दूर से वीडियो बना रहे हैं गाइस, और इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं गाइस जहाँ देख सकते हो, और ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो गाइस, ऊपर से पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, और शाम के टाइम डर का माहौल भी रहता है गाइस, यहीं ऊपर आ जाए वो भी है गाइस, इस तरह से चारों तरफ पेड़ पौधे, और काफ़ी दूर से आ रखे हैं गाइस, वो टॉप से आ रखे हैं हम, कुछ भी नहीं तो 200 मीटर दूरी पर हैं गाइस हम घर से, और यहाँ सुनसान जगह रहता है, और शाम के टाइम पर तो डर का माहौल भी रहता है यहाँ पर गाइस, और काफ़ी सतर्क होके रहना होता है, आना जाना उसी तरह से करना होता है गाइस। अब निकलते हैं, तो गाइस फाइनली हम आधे रास्ते पर पहुँच गए, और पैदल चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग गई, तरुण को लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा थकान लग गई ना, और स्नान करके कैसा लगा बाबू? अच्छा, बहुत सुकून मिला गाइस, क्योंकि जो सरयू नदी का पानी है गाइस एकदम शुद्ध और साफ स्वच्छ और गंगा जल है गाइस, और आज काफ़ी दिनों के बाद सालों के बाद नहाने का मौका मिला और बहुत सुकून मिला, दिल को मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, और अब रूम के लिए निकल रहे हैं, और थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गया गाइस, क्योंकि पैदल चल रहे हैं हम लोग, इस तरह से रास्ता है आगे सामने देख सकते हो गाइस, सरयू नदी जा रही है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हम, कुछ भी नहीं 100 मीटर ऊपर आ गए गाइस, और फटाफट निकलते हैं, और तरुण बेटा भी थक ही चुका है, और पीछे से देख सकते हो गाइस कितना सुंदर दृश्य दिख रहा, पेड़ पौधे हरियाली। तो गाइस ऐसी जगह पर हम रहते हैं गाइस, बहुत सुकून मिलता है अपने गांव घरों में रहने में, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है रहने को, खैर कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आज, और फिर शाम को पापा की जागरी हैं और बहुत अच्छे से पूजन होगा गाइस, और जितना हो सकेगा ब्लॉग में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और क्या क्या होता है जागरी में, आज पहली बार पापा की जागरी लगा रहा हूँ घर ही, पहली बार पापा की जागरी लगेंगे, दूसरी बार, पहली बार तो मैं था नहीं, बड़े भैया ने लगवाया और आज मैं हूँ, तो बड़े भाई भी नहीं आप आए घर, तो जो भी होता है मम्मी और भाभी भाई लोगों के सपोर्ट है ही, बड़े भाई भी हैं तो सारे कार्यक्रम जो भी होगा वो लोग कराएंगे, और बाकी हम हैं देख सकते हो सरयू नदी से कितनी दूरी पर हैं हम लोग, तो फाइनली हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, एक पड़ाव यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे रूम के लिए, और काफ़ी ज़्यादा थकान भी लग चुकी है गाइस, क्योंकि इतना पैदल चलना आजकल नहीं हो पाता हमसे, और तरुण को तो काफ़ी ज़्यादा थकान लग गया है, तरुण हाँ। कितना थकान लगा बाबू? बहुत थकान लगा ना हाँ। लेकिन सुकून मिला होगा ना हाँ। क्योंकि स्नान किए हम लोग गंगा जल व सरयू नदी पर, तो बहुत सुकून मिला है कि नहीं हाँ।
तो अभी रेस्ट करते हैं गाइस, फिर निकलेंगे रूम घर के लिए। गाइस फाइनली हम टॉप पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से 20-30 मीटर और घर के लिए है हमारा। और नीचे देख सकते हो गाइस कितनी दूरी से हम पैदल पथ मात्र 15-20 मिनट में हम यह आ चुके हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो गाइस नीचे है दूसरा।
देवताल बता रहे ये काम बनाओ, ये रोड बनाओ और किसी को एडमिट लाओ दिया था वो भी एडमिट रोड में बात क्लियर है। अब बनाना ना जो काम है हां जी बात हो रहा है। अब ले तो बहुत लगो जाओ करूं साहब ये पापा विष्णु वाले का और विष्णु गया पुस्तक मिला जो वर्तमान प्रताप में गया पुस्तक मिला तो गया पुस्तक किला जब विष्णु भगवान का भी कहता जो आप विष्णु भगवान अमर श्राम गए लो और अर्जुन बल में नहीं हो सब जिन पर मैं सिर्फ हूँगा रहो हो अर्जुन बल तू अमर बने लो पुस्तक में जाए तो तय जाग में जो लाग लगे इसे अर्जुन और जो गया पुस्तक में लाग लगे जा आप एक दिन है को दिन है को आप जैसा गया पुस्तक है तो लाग रहा मीन मजीद पशुर पकान हर विष्णु लोग बाट लाग रहा ढेर गांव लाग रहा हो आप अर्जुन को लाग रहा हो यार बल छह मार में शिव लोग बिताया है विष्णु भगवान ने पाए बितिया छह मार पयाल लोग में बितिया आज जो जिम्मी ओ लाग रहा शरादत लगन न जिगा रहा आज ये भगवान ने बल जोश कर लो तो तब को एक दिन है को दिन है को दिन छुटिया मास लग गया तो छया मास में जो विष्णु भगवान ने नींद खुल ले तो विष्णु भगवान को लाग रहा अरे अर्जुन अरे तक तू पुस्तक दे के ना कोई तो तब को कौन है भगवान बोल भया लोग ने तशय भुक्त हो आज विष्णु लोग आए विष्णु भगवान ने पाए तशय भुक्त हो यो पुस्तक धरती ना था ये जगह मीन मजीद पशुर पखान लगा हो सर विष्णु लोग लगा लग गए मैं कस के ली जाऊं तो तब को जो सब दाई जाके हो अब जो सब कौन लग रहे है अर्जुन ली जाए आप अमर पुस्तक आप जान जान जो अर्जुन लग रहे हो अब तेरे को सती कुंजी माता के कौन लग रहे है अरे भीमा बोल चार खबर बेलना कमाए एल बोलो कि जदिन गया पुस्तक लोन जान लग रहा था मेरे चार चला नाम पढ़ो पोतो चल भूल कुछ इस स्टेल को मेरे दाल देखो राज्य को चलाल कहो और जून दसों के को धनुष को चलाल कहो और के को ना भीमसोन जाल देखो गजा को चलाल कहो रजिस्टर जाल देखो तो तीन को चलाल कहो सहदेव दाल देखो पाठ में लेकर कहो और अर्जुन नाम मुझे नहीं भूल कुछ तो अर्जुन घुसा मारे दो अर्जुन कही थी इजाद तार जाल चाल लाल हो
आज जो समय नाम नाली हो आपको चला बुझ बुझी तो दिन अर्जुन जो उषा चलवे नहीं रहती पुस्तक उजालो तो चाहे कौन जो छो चला बल एल तक अर्जुन जो नुन जब अर्जुन ना जानब आज अर्जुन तो मृत्यु हो गया आप भीम को लग रहा इजा बल धरती छोड़ मनु वो डोला जय जाग में अर्जुन हो तय जाग में लियो तो तैपे को जो छो शरीर परिणाम में जो छो अर्जुन पूछ रहो इजा पर तो लागो अर्जुन बोल तो तैपे को जयंती गोले यहाँ जयंती गोल में जो है गया पुस्तक रखी रहो पुस्तक पूजन को लग रहा आप भीम को लग रहा इजा बल आपके साथ आप बता इजा बोल तो तैपे को क्षति कुंती मता को लग चला पर तू हराज देख रहे हैं जब चला बल बिगड़ बर्मा का हरा देना हूँ अब बाबू ने कुत्ता बोल हो गया पुस्तक दो बर्मा ही पढ़ल बोल तो ते दिन जो सो इजा बल कैदा बोल बर्मा चला बल बर्मा जो जोशी बोल को डलो जा चला बर्मा हो जाओ दा बोल तो ते बगत पांच भाई पांडव जोशी बैठी जा आप कौन लग रहे बुली अर्जुन तू इजा कौन भीम कौन लग रहा अर्जुन तू इजा पढ़ तो ते बगत पांडव जो चीट लेके राख जाओ कि बर्मा जय जाग जय भूमल है अमर बोझू जो मृत्यु बन गया एम जयंती गौर में छो तो अमर बोझू शराध को हो बर्मा बल तुम जो छो के बोलना अमर जो छो आज शराध लगन पूछ रहो हो बिगड़ बर्मा शराध ना हो तो तय पे को जो छो आप जो छो अर्जुन बटीन बटीन लाग रहो हो आप अर्जुन जो हो बाढ़ लाग रहो हो जान जान जो अर्जुन जो हो सात समुद्र पूछ गो हो तो ते दिन पयाव लोग में जो छी आप कुमेर जैन छी बोले पयाव लोग राज छी कुमेर राज देखो आप कुमेर राजा जो छी कुमेर राजा राज जो छी सुनो स्वप्न हुए गति तो सुनो स्वप्न में के देखो लाग रहा जयती कल देखो लाग रहा तो पांच साल पांडु देखो लाग रहा तो ते दिन तो सब कुमेर जयता रानी आप पांडु कोल घर रह लाग गए के ताते कोल धनी गए एक दिन हो गया दो दिन हो गया तो जो सब कुमेर जयता रह जो हो आप जीरवेर मसाले पांड बन रहा तो ते बगल कुमेर राज कौन लाग रहा अरे रानी बलतिया वास्ते खाना कमी हूँ तो को लगोना कमी हूँ तो को रानी तो एक दुख है को इतर बाहर दुख के आगो क्या वैसे तो मन से तैयार रहे समी बल में कोई दुख ना आ रहा पर सुनो स्वप्न में जयती गौर जा बोल तो जयती गौर देख रहा कभी तो पांच साल पांडव छो तो तुम्हें चाहता था कॉल करने तो समी मैं रहोल फिट गया मैं पांडव चला कॉल करना रहोल लग गया तो तेरे पे कौन लग रहा हो कुमेर देख कौन लग रहा रणी बोल तो पांडव चला कॉल को है मैं शॉपिंग पांडव ली भेज रहा हूँ तो तेरे पे कौन जो सो कुमेर देख दो ब्रह्मा रूप लग रहा हो और कुमेर देख दो सोलह साल बलों लगा रहा हो सोलह साल बलाय पड़े भेज रहा तगल चनेर बिनेर बन भेज रहा आप कौन लग रहा रानी मिजान बबो तो ते बगो जो सब कुमेर देन जो सब बाट लग रहा तो ते दिन अर्जुन जो सब कुमेर कोर्ट में जो सब सौ बाट ची सौ घाट ची सौ दिन पाल्टी शिलिंग का शिल्दी पपाल की हवा ची तो ते दागमा अर्जुन ने पूजी ची अर्जुन थकन पता जब पांच पे लग रहा हो आप अर्जुन कौन लग रहा कि यार कौन लग रहा कि इधर हमारे चार भाई ने तय चीट में चीट लिख रहा आप कल दिन में चीट तो अलग रहा चीट पोल लग रहा तो तब को अर्जुन जो नींद पड़ गई थी नींद पड़ गया छात में जो चीट लगे पांडव लिखी तो तय जाग में जो था कुमेर जैन पूछ रहा हो कुमेर जैन को लग रहा यार कुमे नहीं सही हो सौ बार छो सौ घाट छो और शिलिंग की शेर पिपल की हवा छो जोना मंगोर छो ये जाग में कुमे नहीं खोजे उसी हो तो तब को चल चीट तानी तो कुमेर जैन चीट पॉन लग रहा कि बर्मा जैसा बोले हमार बोझू रोड पांडुक जो छो मृत्यु बन गया हमार बोझू शराब मिली छो तो हमार बोझू मृत्यु बना अमोल बोझू के हम शराब हो गया तो बर्मा बल जैसा बोले जय भी मिले तो आदि बर्मा बल एम अर्जुन बेटो हम जयती गोल लोग सब पांडु तो तब का पॉन लग रहा कि यार कौन लग रहा जयती गोल में डांस सुना सुना या और पांडु कौन थे पांडु कौन थे अब तब का चीट जो अमोल का गल अरे मैं इनका कोसे तू बोल आप अर्जुन भी जोन लग रहा हूँ हम इनका कोसे कह दे रहे थे कह डाले थे तो तब का अर्जुन कौन लग रहा हो कि यार बोल मैं तो थो जयती गोल लोग छू तो क्षतिक नहीं माता पुत्र तू अमर बोझू मृत्यु है क्या तो अमर बोझू जो हो शराध न हो तो बिगड़ बर्मा हराध ना हो तो अमर बर्मा जो हो जोशी बोलकोट है एम ता हो अरे यार कौन लग रहा जोशी बोलकोट काम बर्मा एक ब्राह्मण मिस हो तुम्हारे बर्मा मिस हो और कोई नाम ही अलावा ब्राह्मण आप कुमेर थे तो वो चबोन लागू
कि ब्रह्मा बल पाया हाथ लगन लागल श्री ढोक जो लागल तार ब्रह्मा बल चीट दी राखी चीटता लागसी मेरे तंगोर अरे तू जब मैं निकाल रहा चिट्ठी की जरूरत तो ते अब कौन तो कुमेर धैन तो छो आप और धुंध कर पाट लाग जैसी कौन हो ना ओ नून तो सात समुद्र में पूछ दिया आप सात समुद्र में अर्जुन कौन लाग रहा हे ब्रह्मा बल तू जो छो क्या कौन ना अखिल को हो मैं दंगा मार दो हमार जैसी कौन में हमार पुराण पांडु कुल हो तो ब्रह्मा पर भी ना इधर ही बेरो तब तो मोड़ बोझू शराब करो तो तब को ब्रह्मा बाट लग रहा हो वो ना तो कौन लग रहा हो तब को सती कुंडी मता चाहे अरे बीमा बल हो जो छो अमर ब्रह्मा आगो बोल इजा पर ते तक लो और जो ना बिगड़ बने पामलो आते महाराज ना को इजा पर हो बिगड़ बने पामो जो चला पर जो सबले सब पामलो आगो चला लगन दिन पर भी ता पूछ रो हो तो मन बोझू शराब कर ले तब को तो तो जयंती कल पूछ रो आप कुमेर देन जो छो जोताल मुख्याल सी हो तब को सती कुंडी माता पाया हाथ तक लग रहे श्री ढोक तो लग रहे पहला ब्रह्मा को तो जो सो तीन भाग पांडव जो हो ढोक जो लग गया आप भीम कौन लग रहे सदी को चला बोलो ढोक दे परमात्मा इजा ते परमा ढोक जो में बोलने लगो मेरे कमरे ना नहीं आप कौन लग रहा चला बोल तो क्या को वर्मा पूछ रहा हो असरात कौन हो तो वर्मा को पया हाथ लगा श्री ढोक दे इजा कौन लग रहा ते परमा ढोक दे जो सब भीमक जो सो कमर का बका नहर चल लग रहा नहर बका कमर चल लग गया तब का भीमा बल को असर फात से इजा पर जब तक अर्जुन नाम तब तक कृष्ण पर मन हो तब को जो सो अर्जुन आ गो अब अर्जुन कौन लग रहा हो अर्जुन है कौन लग रहा है भीम कौन लग रहा है अरे अर्जुन नो बोलो वर्मा कहां अब अर्जुन कौन लग रहा हो वर्मा हो तो वर्मा बेच गए यार कौन लग रहा है को शक्ल ना देखो मैं वर्मा लगो वो जो चाल मुख्याल हो तो ते भगत कौन लग रहा है इजा पर हो जाए वर्मा से तब जब तक वो स्नान नहीं करे तब तक हम हरात में बनी को आप बाहर पटांगण में तो हो एक गोलूपाल भरी रहो वर्मा बाहर पटांगण में तो स्नान कर लो आप कुमेर जी तो कहीं आकर्षण पर लिए कोई आदमी बिजनी तो ते भगत कौन लग रहा हो कि आदमी बरसात समुद्र में जाबे रहो स्नान कर भी रहो स्नान कर भी रहो में तेल है ना कौन ना है तो ते भगत कौन लग रहा हो भीम कौन लग रहा है इजा पर में ते वर्मा होने वाला हूँ चला कौन लग रहा है तू मजा ते वर्मा न हो नहीं जा कौन लग रहा आज कति बड़ी मौका रहो आज वर्मा न होना मौका मिल रहा मैं वर्मा न वाला हूँ चला कौन तो आसार से आभार से पुलिस से रोलिस से तो इला जो बोलो बाहर जाओ चला तू मजा आपको मेरे तो होने लग रहा तो ते पे को जो सब वर्मा जो सो आप इजा कौन लग रहा न वाला हूँ आप अखिल पर जो सब भीम सो पसिल पर वर्मा चल रहा हो आप जो सब सात समुद्र में नहीं गया आप स्नान कौन लग रहा भोग बना है आम बन बन तो गाइस रात के दो बज चुके हैं मैं तीन चार बजने वाला हूँ और पापा की जागर भी अच्छे से लग गई और बहुत अच्छा लगा आज और बहुत अच्छे से पापा को पापा का पूजन पाठ जो भी करना था कर लिए हैं और अच्छा भी लगा ठीक है गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड अपने उत्तराखंडी भाई को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा बाबा और ये भी समय मेरे परेशान में बहुत ज्यादा बाबा हाँ चल रहा बेटा चल रहा